हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट या इंडियन पिनाइल इम्प्लांट को हम कपड़ों में कैसे छुपाएंगे, कि हम क्या उस इम्प्लांट के बाद जीन्स पहन सकते हैं, क्या हम कंफर्टेबली ऑफिस जा सकते हैं, कहीं इम्प्लांट कपड़ों में दिखेगा तो नहीं, तो आज का जो ये वीडियो है ये उनके लिए है। आज मैं आपसे बात करा हुआ ऐसे एक मरीज़ की जिसका हमने इम्प्लांट तकरीबन 1 से 1.25 साल पहले किया था। मरीज़ बॉम्बे से है, दिल्ली में को खाली खास आज मिलने आए हैं, क्योंकि 1 साल के बाद एक तो इम्प्लांट का रिव्यू देंगे, इम्प्लांट को कपड़ों में कैसे छुपाए वो बताएंगे, और आपसे ये भी साझा करेंगे कि इम्प्लांट लगाने के बाद उनका लिंग का जो साइज़ है वो भी बढ़ गया है, साइज़ छोटा नहीं हुआ, पेनिस को कहीं भी मोड़ सकते हैं, सेक्स लाइफ बहुत इन्जॉयबल है, टाइमिंग बहुत बढ़िया हो चुकी है, और इम्प्लांट को आराम से कपड़ों में रख के अपनी डेली लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आप इंडियन इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं और आपके मन में कहीं पर भी 1% भी डाउट है कि इम्प्लांट छुपेगा कैसे, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। 2.5 मिनट का क्लिप है, मरीज़ की शक्ल नहीं दिखाई है, सिर्फ हमने दिखाया है मरीज़ की जीन्स को और मरीज़ की पैंट को और उसमें उसने इम्प्लांट कैसे छुपाया, तो इस क्लिप को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल, मैं डॉक्टर विजयेंद्र गोविंद गुप्ता असिस्टेंट। आज हमारे सामने सर हैं जिनको 1 साल हो गया है इंडियन इम्प्लांट को। आज हम जानेंगे इनको कंसील में किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है, तो जानेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सर, आप मुझे बताएंगे आपको कंसील में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अपने इम्प्लांट को छुपाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी मैं कोई भी साइड में इम्प्लांट को छुपा के मैं ऑफिस का काम, ट्रैवलिंग, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके इम्प्लांट को? 1 साल हो गया। तो इस बीच आपको कोई दिक्कत आई हो इंटरकोर्स वगैरह में? नहीं, फिलहाल कुछ भी दिक्कत नहीं है, और इंटरकोर्स का चाहे आप ड्यूरेशन बोलो चाहे सेटिस्फेक्शन लेवल बोलो, बहुत गुना बढ़ गया। आपके पार्टनर का क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? पार्टनर तो सरप्राइज हो गए कि ऐसे मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 1 साल में? 1 साल में मैं आप कह सकते हैं कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। आज मैं बिना डर के जो भी है सेटिस्फाइड हूँ जी। तो आज आपको 1 साल हो गया इम्प्लांट को, तो इस बीच आपको कोई दिक्कत हुई हो साइज वगैरह को लेके? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है साइज लेके। अच्छा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम अर्ली डिस्चार्ज वगैरह? नहीं, अर्ली डिस्चार्ज तो है ही नहीं, ड्यूरेशन इतना बढ़ गया कि आप पूछिए मत। कभी कभी पार्टनर भी समथिंग कितना हो गया आपका ड्यूरेशन टाइम? अभी मैं स्टडी चलूँ तो मिनिमम 1 घंटे से भी ज़्यादा। ओके, वो पहले कितना था इम्प्लांट से पहले? पहले तो ऐसा कंडीशन था कि आप पूछे मत, इरेक्शन में कभी कभी दिक्कत आ रहा था, तो जैसे इरेक्ट हुआ तो हम सोचते कि जल्दी जल्दी काम निपटा ले, नहीं तो कहीं बाद में इरेक्शन ना हो, और अभी तो वो डर तो है ही नहीं, ऊपर से इतना कॉन्फिडेंस है तो कभी भी एनी टाइम। तो आपका साइज के लिए क्या एक्सपीरियंस है आपको? साइज तो बहुत बड़ा, मतलब पहले से भी ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है कि बढ़ गया है। पहले इरेक्शन के बाद जितना होता था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। समथिंग कितना होगा आपका साइज अभी? वो तो मैंने नापा नहीं, 6 के आसपास होगा। आपका एक्सपीरियंस 6 के आसपास है। पहले कितना था इम्प्लांट से पहले? वो इरेक्शन के बाद उससे कम था। अच्छा, पहले कम था, ठीक है। एक बार मैं देखना चाहूँगा, आप अंडरवेयर के ऊपर से दिखा सकते हैं कंसील में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप कैसे रख रहे हैं इम्प्लांट को? बिल्कुल, क्योंकि ये 1 साल हो गया तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो जो जिस कंडीशन में मैं कंफर्टेबल हूँ अभी मैं लेफ्ट साइड में छुपाया हूँ। अच्छा, लेफ्ट में रखा है आपने, और मैं जीन्स भी पहन सकता हूँ, कोई भी तरीके का कपड़ा पहन सकता हूँ, कोई इश्यूज नहीं है। इसको मैं अभी राइट साइड में कर रहा हूँ जी, जैसे राइट साइड में किया जी तो भी कोई इश्यूज नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी सब बढ़िया एकदम? एकदम सब बढ़िया, नई जिंदगी मिली है मुझे जी, और इसके लिए डॉक्टर को और उनके क्लिनिक स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।